साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संस्था सूत्रधार साहित्यक एवं सांस्कृतिक संस्था हैदराबाद भारत एवं कहानीवाला के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 9 मार्च को एक विशेष कार्यक्रम गार्गी 2024 का आयोजन शहर के हृदय स्थल बंजारा हिल्स में स्थित प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र ला मकान में किया गया। सुहास भटनागर ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। संस्थापिका सरिता सुराना ने सभी सम्मानित अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया और गार्गी 2024 सम्मान ग्रहीता डॉक्टर अहिल्या मिश्र को कार्यक्रम की अध्यक्षता करने हेतु मंच पर सादर आमंत्रित किया। सेंट जोसेफ स्कूल हबशीगुड़ा की हिंदी विभाग अध्यक्ष श्रीमती ज्योति गोलामुंडी को विशेष अतिथि के रूप में और स्थान सचिव श्रीमती आर्या झा को मंच पर सादर आमंत्रित किया गया है। वहीं तत्पश्चात अतिथि गणों द्वारा मां सरस्वती के क्षेत्र पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित किया गया है। वहीं स्वर कोकिला श्रीमती शुभ्रा महतो ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की है। उसके बाद सरिता सुराना ने सभी सम्मानित अतिथियों और सहभागियों का शब्द पुष्पों से स्वागत किया है और संस्था का सापेक्ष परिचय प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई विजिटी महिलाओं ने अलग अलग विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। अर्चना लोढ़े ने अपने विषय समय के साथ बदलती औरत पे बोलते हुए कहा कि उनकी दादी उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही है। उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी बहुओं और पोतियों की पढ़ाई में भरपूर सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद पति का कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक महिला की पूरी जिंदगी बदल जाती है। श्रीमती संगीता पंप नानी ने रसोई से दिल तक विषय पे अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। रसोई हमारे घर की आत्मा होती है और जब आत्मा तृप्त होती है तो मन प्रसन्न रहता है। खाना बनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और वे इसके लिए नए नए प्रयोग करती थी। आज की महिलाएं सुपर वुमेन हैं और वे बहुत कुछ काम एक साथ कर सकती है। जी हाँ, वही रोशनी तिलवानी ने अपने विषय नौकरी और नारी सुरक्षा पे बोलते हुए कहा है आजकल की महंगाई के ज़माने में एक आदमी की कमाई से घर चलना मुश्किल होता है, इसलिए महिलाओं को भी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए। नौकरी महिलाओं को अहम सुरक्षा प्रदान करती है, उसे स्वतंत्र बनाती है और वह घर से बाहर निकल कर भी अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकती है। वहीं गृहिणी की भूमिका भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी है और वे घर को सजाने में पर्दे और चादर में टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हैं। वहीं श्री खुशबू सुराना ने अपने अपसाइलिंग और गृह सज्जा पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि उन्हें कॉलेज के समय से ही आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करने का शौक था, इसलिए उन्होंने जॉब नहीं किया और अपना स्टार्टअप कला विधि पर भांग किया है, जिससे अंतर्गत वे विभिन्न जरूरतमंद महिलाओं को हस्तनिर्मित उत्पाद बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण देती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करती हैं। उन्होंने अपने विभिन्न उत्पादकों को प्रदर्शित किया और कहा है कि हमारी दादी नानी कपड़े की एक कतरन भी बर्बाद नहीं करती थी, उससे सुंदर कलात्मक खिलौना थाल पोश और इडोनी आदि बनती थी। उसी तरह से मैं बचे हुए कपड़े को नया रूप देकर विभिन्न प्रकार के आभूषण और गृह सज्जा की विभिन्न चीज़ें बनाती हूँ। बदलते पारिवारिक समीकरण विषय पर अपनी बात रखते हुए सरिता सुराना ने कहा है पहले हमारे पूर्वज कहते थे कि 100 साल में जमाना बदलता है, लेकिन आज तो हर घड़ी जमाना बदल रहा है। आज हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, संयुक्त परिवारों को विघटन हो गया है। आज परिवार का अर्थ सिर्फ पति पत्नी रह गया है। आज पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं और उसे बच्चों आय के भरोसे पालते हैं, तो उनमें संस्कारों का बीजा रोपण कौन करेगा? पहले दादी नानी की छात्र छाया में पलने वाले बच्चे उनसे संस्कार और परंपराओं की बातें सीखते थे, लेकिन आज गांव में शहरों की ओर पलायन के कारण हमारा रहन सहन खान पान और जीवन शैली सब कुछ बदल गया है। उसका परिणाम ये है कि विवाह नामक स्थान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। वहीं शिक्षित स्त्रियों ने करियर को ही अपना लक्ष्य मान लिया है, वे परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही हैं। स्वतंत्रता स्वच्छता में परिवर्तन हो रहे हैं और ये हमारे समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। उसके बाद उन्होंने सम्मान ग्रहिता डॉक्टर अहिल्या मिश्रा की परिचय प्रस्तुत किया है और उन्हें उद्धोबन हेतु सादर आमंत्रित किया है। अहिल्या मिश्र ने कहा है कि गार्गी को जनाने से पहले हम वैदिक युग से जानना होगा। हमारे वेदों में विश्व घोषा लोपामुद्रा और मौत्रिये के नाम आते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों इस संसार में बराबर है। उन्होंने मंदन मिश्रा और उनकी पत्नी भारती द्वारा दक्षिण
शंकराचार्य के साथ सशस्त्र की विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राजा जनक विदेह थे, उनकी पुत्री सीता इसलिए वैदी है कहलाई है। वहीं मिथिला लंच से सीता माता की बहुत मान्यता है। प्राचीन काल में स्त्रियों को स्वयंवर के द्वारा चुनने का अधिकार है, लेकिन आक्रांतों के लगातार हुए आक्रमणों के कारण स्त्रियों की दशा में परिवर्तन आ गया है। आज की महिलाएं शिक्षित और संबल है, अगर वे कुछ करने का ठान ले तो उन्हें मंजिल हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वहीं उनके उद्बोधन के पश्चात उन्हें गार्गी 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अंतर्गत उन्हें ट्रॉफी शॉल, मोती शॉल और कलम और नोटबुक से सम्मानित किया गया। उन्होंने संस्था के समस्त सदस्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का आशीर्वाद दिया है। उसके बाद विशेष अतिथि श्रीमती ज्योति गोला मुंडी जी और अन्य व्यक्तियों को तथा ला मकान के सदस्य क्रांति मैडम का सम्मान किया गया है। वहीं सत्र समापित के पश्चात अल्पाहार के लिए कुछ समय का विराम लिया गया है। प्रथम सत्र का संचालन श्रीमती आर्या झा और सुश्री खुशबू सुराना ने एकदम अलग और अनूठे अंदाज में किया है। वहीं द्वितीय सत्र में कहानीवाला के सुहास भटनागर, आर्या झा और शिल्पी भटनागर ने कहानियों की शानदार प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम में वांझा तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष एन आर श्याम, यूनियन बैंक ऑफ के वरिष्ठ प्रबंधक देवकांत पावर, तेलंगाना समाचार के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार के राजन्ना, पुष्प साहित्यकी की संपादक डॉक्टर आशा मिश्रा, श्रीमती किरण सिंह, श्रीमती शुभ्रा महतो, श्रीमती ममता सक्सेना, श्रीमती सोनी कुमारी, श्रीमती हर्षालता दुधोरिया, श्रीमती अनीता गिरिया, प्रवीण कुमार, राजेश कुमार एम चंद्रा, श्रीमती भावना पुरोहित, मयूर पुरोहित, शुभा क्रांतिक, सूरज कुमारी गोस्वामी, श्रेयस वेमुला, डेनी कुमार आजाद और ज्योति और उपस्थित थे। सभी सहयोग भागियों ने कार्यक्रम की मुक्त कचन से प्रशंसा की है। वहीं सरिता सुराना के धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम संपन्न हुआ। कहानी आपको सुनानी पड़ेगी, बोले भी कहानियां सुनानी, कहानियां नहीं ऐसे सच आपके सामने रख रही हूं जो सब मैंने रिसर्च किया है, लिखा है। राजा मिथिला के ऐसे अंतिम राजा हुए जो देवयुक्त राजा हुए, उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। जब उनके मृत्यु हो गई तो उनके शरीर को मत कर उससे प्राप्त बीज से विदेह की पैदाइश, बिना देह के, विशेष देह नहीं, बिना देह के। और इसीलिए वहां के राजा शीर्ष का नाम विदेह था, जिन्हें आप जनक के नाम से जानते, और सीता का नाम वैदेह। तो वहां से आपको चलना पड़ेगा, यानी शास्त्र की निसंगता, व्यक्ति का दार्शनिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप मिथिला में इस तरह से वर्णित। उस मिथिला में एक से एक घमंडी विद्वान हुए, घमंडी में रहते। उस समय उन विद्वानों को दावा था कि हमारे जैसा कोई विद्वान दूसरा नहीं। उसमें अहल्या का बेटा गौतम ऋषि और अहल्या का बेटा उनका राज पुरोहित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने की धारणा में है। उन्होंने सिकंदराबाद के इंपीरियल गार्डन में आयोजित भाजपा सोशल मीडिया प्रभारियों की बैठक में ये बात कही। अमित शाह ने भरोसा जताया कि उन्हें राज्य में 12 से ज्यादा सीटें मिलेगी। सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को घर घर तक पहुँचाने का सुझाव दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। उन्होंने कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस की भ्रष्ट पार्टियों को कहकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस मजलिस के एजेंडे के साथ काम करेंगे। वहीं यूरी घटना के 10 दिन बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की और बंदूकधारियों को मार गिराया है। वहीं आतिश शाह ने कहा है कि जवानों पर हमले को भूल जाने वाली मनमोहन सरकार नहीं है। याद रखें, 400 पार का लक्ष्य सिद्ध करना ही है, परंतु 400 में 12 कमल यहां से दिल्ली भेजने का काम। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश को राजनीतिक स्थिरता देने का काम किया। आया गया राम टीम पॉलिटिक्स को समाप्त करकर एक छत्र नेतृत्व में
पूर्ण बहुमत वाली 10 साल तक सरकार नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, मैं बाद में बात करूंगा टीआरएस और कांग्रेस की लाखों करोड़ों रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार इनके सामने आरोप हुए नरेंद्र मोदी जी पर, 25 पैसे का आरोप हमारे विरोधी करने वाले कार्यकर्ता का है। इतना ही महत्व सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर संदेश पहुंचाने वाले मित्रों, देश की जनता ने एक प्रकार से तय कर लिया है। मैं करीब करीब देश के सभी राज्यों से होकर यहां आया हूं, जिस जिस कोने में गया, जिस जिस हिस्से में गया, जिस मत क्षेत्र के अंदर गया, हर जगह देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। युवा आपके बीच में जाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोका कोला राज्य में 3,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर रही है। सिद्दीपेट जिले के बांदा तिमापुर में ग्रीन फील्ड बॉटलिंग प्लांट पर चर्चा की गई। सीएम ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार निवेश की सुरक्षा के साथ साथ उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी। शीतल पेय बनाने वाली हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज कंपनी तेलंगाना राज्य के औद्योगिक विकास में भाग लेने के लिए आ गया। ये कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से चर्चा की है। अब तक कोका कोला ने राज्य में 3,000 करोड़ से ज्यादा का निवेशन किया इस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। वहीं ग्रीन फील्ड बॉटलिंग प्लांट सिद्दीपेट जिले के बांदा तिमारापुर निर्माणधीन है। कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से चर्चा की है कि उनकी कंपनी तेलंगाना क्षेत्र में निवेशन के साथ साथ सामाजिक विकास में भी भाग लेगी और तद अनुसार परियोजनाओं का विस्तार करेगी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार निवेशन की सुरक्षा के साथ साथ उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करेगी। यादाद्री मंदिर घटना पर डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने प्रतिक्रिया दी। यादाद्री में एक छोटे से स्टूल पर बैठे भट्टी की दलित नेता का अपमान करने के लिए आलोचना की गई। इस पर भट्टी ने जवाब दिया। उन्होंने खुलासा किया कि वह एक छोटे से आसन पर बैठे थे। सीएम रेवंत रेड्डी ने कई मंत्रियों के साथ यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी से मुलाकात की। हालांकि पूजा में बैठने के दौरान रेवंत रेड्डी मंत्री कुमती रेड्डी, वेंकट रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी बड़े पीठ पर बैठे हैं, जबकि डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क छोटी पीठ पर बैठे हैं। साथ भर में बीआरएस और बीएसपी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। दलित नेता को भगवान की उपस्थिति में अत्याधिक अपमानित किए जाने की आलोचना की गई है। इस साथ भर में मल्लू भट्टी ने प्रतिक्रिया दी है। भट्टी ने इस बात से नाराज थे कि यादाद्री की घटना को बिना मतलब ट्रोल किया जा रहा है। यादाद्री ने कहा कि उन्होंने भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा की विशेष पूजा की है, वह एक छोटे आसान पर बैठे हैं। वहीं उन्होंने कहा बंजारा हिल्स में सिंगरेनी गेस्ट हाउस के शिलान्यास समारोह में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने शहर के कई हिस्सों का दौरा किया। बंसीलाल पेटा डिवीजन में पावर बोर किशन रेड्डी की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सनत नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। वहीं बंसीला लाल डिवीजन में बांडा मौसमा नगर चाचा नीरू और नगर निगम सीसी नगर में बिजली के बारे में शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गर्मियों में लोगों को पीने के पानी का समस्या न हो, इसके लिए बिजली बोर्ड चालू किए गए हैं। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी सेवाओं में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की है। मंत्रियों ने TSRTC में महालक्ष्मी सिटी इलेक्ट्रिक बसों के पहले बैच का शुभारंभ किया। पहले चरण में 25 इलेक्ट्रिक बसों को डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, मंत्री पोन्नम प्रभाकर और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क और पोन्नम प्रभाकर ने RTC में इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू करने के कार्यक्रम में कर्मचारियों को सरकार द्वारा हाल ही में घोषित बकाया बांध के चेक प्रदान किए। मंत्रियों ने खुशी व्यक्त की है कि RTC में महालक्ष्मी योजना के हिस्से के रूप में नई खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ एक अच्छा विकास है। वहीं साथ ही मंत्रियों ने कहा कि महालक्ष्मी योजना आगे बढ़ेगी और कुमती रेड्डी RTC के मामले में उदागर है। वहीं मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री PRC के बारे में बात नहीं कर सके हैं, जल्द ही इस मामले पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पोन्नम ने कहा कि जब बाबू जीवन राम भवन का उद्घाटन करने गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री से PRC देने को कहा है। उन्होंने कहा कि RTC 100% एक्यूपेसी के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं परिचालन घाटे पे काबू पा रही है और पुराने बकाया का निपटाना कर रही है। RTC ने नई नियुक्ति हो रही है। मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र के LB नगर में वॉकर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठक में BJP उम्मीदवार इटला राजेंद्र शामिल हुए, वोट दिया और अधिकार दिया। इटला ने कहा कि हो सके तो विकास करना चाहिए। सीएम ने कहा कि मल्काजगिरी का एटा से क्या कनेक्शन है।
इटेला राजेंद्र ने दुनिया में भारतीय राष्ट्रीय में स्वाभिमान बढ़ा रहे मोदी को दिल से आशीर्वाद देने को कहा। उन्होंने कहा है कि यदि आप संसद चुनाव में बीआरएस को वोट देंगे तो आपको मेरी वोट दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि इसे कांग्रेस को देने से कोई फायदा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कानून पर सांसद और एमआईएम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव आने पर सीएए नियम आएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें नागरिकता संशोधन कानून पर आपत्ति है। केंद्र को उन लोगों को आश्रय देने की सलाह दी गई जो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उत्पीड़न के शिकार थे। उन्होंने पूछा कि सीए के नियमों को 5 साल तक लंबित क्यों रखा गया। उन्होंने मांग की है कि केंद्र को बताना चाहिए कि सीए अब क्यों लागू किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीए एनआरसी और एनपीआर से मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। पहुंचा देंगे उनको, उनको मालूम भी हो जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था, मेरे तरफ नाम देखकर कहा था, देख लीजिए एनआरसी होगा एनपीआर होगा, क्यों होगा भाई, क्या मतलब उसका। यही तो आप करना चाह रहे हैं। जो मैं फिर से कह रहा हूं, आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी करने के बाद 16 कितना पैसा खर्चा किया था, 1600 करोड़, उसमें से करीब 10 से 12 लाख हिंदू भाइयों के नाम नहीं आए, उनको तो दे देंगे सिटीजनशिप आप। जो 1 से 1.5 लाख मुसलमान के नाम नहीं है वो क्या करेगा। और हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है कागज की भी, तो कागज जर्दी वाले कहीं जाएगा, वही तो हम बोल रहे थे सर। अगर एतराज कर रहे हैं आप जब, अच्छा तो फिर आप ये कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं कराएंगे देश में, आप एनपीआर नहीं होगा, सेंसस अलग है, सेंसस का एक्ट है, एनपीआर एनआरसी का सिटीजनशिप एक्ट के तहत आता, वो किसी और थम्सअप को जाकर ज्ञान दिए। ये जो दुम छल्लों को जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दला रहे ना ये लोग, उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता है ना उनको कुछ NPR NRC के बारे मालूम। हाँ, मगर गुलामी और चमचागिरी करना आता उनको। तेलंगाना असेंबली हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट सेंसस विल बी डन बट NPR NRC एक्सरसाइज विल नॉट बी डन इन तेलंगाना। इट वॉज अ यूनानिमस रेजोल्यूशन एंड आई एम श्योर नाउ दैट द कांग्रेस पार्टी इज इन पावर दे विल ऑल्सो go along with the resolution and I would request the present chief minister janab shri revant reddy that a resolution has been passed in the telangana assembly. Government is always in a continuous form, parties will come and go. It is a resolution of telangana assembly. We are not against the census exercise because census exercise done under a particular act, npr nrc is done under citizenship act. You must understand this. That is the concern. And what you have done in Assam, the BJP wants to do it throughout the country. Sir, political stakeholder mein ek aadmi hai jo is masle ko sabse Ravindra Bharati mein aayojit Telangana Sanskritik Neta Kalakaron ke aatmiya sammelan mein Mantri Jupalli Krishna Rao ne hissa liya. Mantri Jupalli ne kaha ki sanskritik netaon ki samasyaon ka samadhan kiya jayega. Unhone kaha ki vah samasyaon ko Mukhyamantri Revant Reddy ke dhyan mein layenge. मंत्री चुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि नौकरी नियमितीकरण स्थानांतरित पहले दिन वेतन पीआरसी लागू करने और समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम करेगी, कार्रवाई की जाएगी ताकि ऊपर उठे और बाकी सभी के बराबर रहे। वहीं सारथी कलाकारों की कठिनाइयों और खुशियों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा है कि आधुनिक समाज में सामाजिक अंतर आज भी जारी है। वहीं चुपल्ली ने बताया है कि समाज में संगठित शक्ति का अभाव है। विधायक केपी विवेकानंद गौड़ ने कहा कि गेट खुले तो बीआरएस विधायक आ जाएंगे। बीआरएस विधायक कोई भेड़ बकरी नहीं है जो गेट खुले तो आ जाए। सीएम बीआरएस एमएलसी से माफी मांगना चाहते हैं। वे सीएम की बातों की निंदा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी कुछ असुरक्षा में हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत को अपनी ही पार्टी पर नियंत्रण न होने का डर है। नेताओं ने कहा कि महबूब नगर संसद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चल्ला वंशी चंद रेड्डी को पालमुरु बेरोजगारी मंच की ओर से पूरा समर्थन मिलेगा। इस उद्देश्य से संयुक्त महबूब नगर जिले के बेरोजगार युवाओं के भविष्य की गतिविधियों पर मंच के तत्वाधान में ओयू आर्ट्स कॉलेज में एक बैठक आयोजित की गई। पालमेरू बेरोजगारी मंच के नेताओं ने कहा है कि महबूब नगर संसद सीट पे युवाओं के लिए लड़ने वाले नेता रेड्डी का समर्थन करने का मतलब है कि हमने खुद को मजबूत किया है। उन्होंने कहा है कि रेड्डी ने युवा जन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में छात्रा युवाओं के विकास के लिए बहुत काम किया है। वहीं वामसी चंद्र रेड्डी ने कहा कि अगर महबूब नगर का विकास करना है तो हमारी आवाज संसद तक सुनी जाना चाहिए।
कुतुबुल्लापुर में महिलाओं ने सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। महिला संगठनों और डवाकारों की महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम बहुत लाभकारी है। उन्होंने खुशी जताई है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, ब्याज मुफ्त राशन और 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुफ्त राशन इसका हिस्सा है। महिला संगठनों और डवकारा की महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम बहुत लाभदायक है। सिकंदराबाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे सभी प्रधानमंत्री मोदी के दल के सदस्य है। तारनाका मंडल के लालापेट में भाजपा नेताओं के नेतृत्व में हम सब नरेंद्र मोदी परिवार है नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तख्तियां दिखाते हुए कहा गया कि वे मोदी परिवार है और मोदी का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के फैसलों से बीजेपी पार्टी को जनता से शानदार प्रतिक्रिया मिलेगी। उन्होंने कहा है कि सभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के सदस्य हैं। कुछ पार्टियां ऐसे आचरण हैं कि जिससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। आगामी चुनाव में भाजपा का केंद्र की सत्ता में आना तय है। साई प्रिया नगर पीड़ितों ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि 30 साल पहले रुपए बचाकर खरीदे गए उनके प्लॉट को हड़पने की कोशिश को रोका जाए। मेडचल मलकाजगिरी जिला पिरजादीगुड़ा नगर पालिका पर्वतपुर गांव के समय विपक्षी नेताओं ने साई प्रिया नगर के पीड़ितों के पक्ष में रहने का वादा किया था और पूछा था कि अब वे अपना चेहरा क्यों दिखा रहे हैं। साई प्रिय नगर पीड़ितों ने विरोध किया है कि बुजुर्गों के पंपों के लिए गरीबों की बलि दी जानी चाहिए। उन्होंने नारे लगाते हुए कहा कि उन्हें न्याय दो, नहीं तो अपने हाथों से फांसी दो। मुख्यमंत्री ने हमसे विनती की है कि हमारी पुकार सुने या हमें फांसी पे लटका दे। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की सरकारें जीती तो गरीब जनता डूब रही है, लेकिन समाधान पूछा गया तो जनता दरबार क्यों। उन्होंने तख्तियां देखते हुए कहा है कि ये प्रजा दरबार नहीं बल्कि धृत राष्ट्रीय दरबार है। चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन शेरलिंगम पल्ली के कॉरपोरेटर रागम नागेंद्र यादव ने किया। रागम नागेंद्र यादव ने कहा कि खेल बच्चों की मानसिक प्रसन्नता में बहुत योगदान देता है। शेरलिंगम पल्ली के नगर सेवक रागम नागेंद्र यादव ने एक पाठिका का अनावरण करके शेरलिंगम पल्ली डिवीजन के आरम्बाया टाउनशिप ने नव स्थापित बच्चों के पार्क का उद्घाटन किया है। वहीं नगर सेवक रागम नागेंद्र ने कहा है कि ये पार्क टाउनशिप निवासियों के लिए योग के आयोजन के लिए उपयोगी होगा। वहीं आरंभिया टाउनशिप एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र राठौर, मधुसूदन रेड्डी, भिक्षापति रेहाना बेगम, राजेश दासारी, सरिता गोपाल यादव, रवि यादव, कोयदा लक्ष्मण यादव, नागराजा कडुम्बा राव, अरुणा श्री, चेडामणि हसीनी राम, नईमुद्दीन मुनिंद्र और अन्य लोग ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मेडचल जिला अलवार के जीएनआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन रामू नायक की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के माता पिता अस्पताल प्रबंधन पर संदेह जता रहे हैं, क्योंकि उसकी मौत काम पर जाने की बात कहकर हुई है। रामू नायक अलवाल 10 साल से भुवनगिरी पल्ली नगर कर्नूल जिले की निवासी हैं। वह अलवाल में जीएनआर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल लैब में तकनीशियन के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं नर्सिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। रात में उसने अपने पिता चक्री नायक से बात की और खुशी से कहा कि वह काम पर जा रहा है। उसके भाई शिन्यू को अस्पताल से बताया गया कि उसकी मौत हो गई और परिजन चिंतित हैं। मौत के लिए अस्पताल प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। केरल यूनिवर्सिटी के छात्र सिद्धार्थ की आत्महत्या के विरोध में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में एबीवीपी के तत्वाधान में एसएफआई का पुतला फूंका गया। एसएफआई नेताओं ने दुख जताया कि एक जान चली गई। एबीवीपी नेता इस बात से नाराज थे कि सिद्धार्थ की हत्या सरकार ने ही की है। वहीं एसएफआई नेताओं ने सवाल उठाया है कि छात्रों को हित चाहते हैं या उनकी हत्या। उन्होंने एसएफआई पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की, जो छात्रों के कल्याण के लिए बल्कि हत्या भड़काती है। उन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ जो बेरंगे की कमजोर वर्ग का एक व्यक्ति था, कि सिर वरिष्ठ लोगों के साथ नृत्य करने के कारण मार दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर एसएफआई का यही रवैया रहा तो एसएफआई को भारत से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिना शिक्षा के